ये बोलना आप इंटरव्यू 100% सिलेक्ट कर लोगे ये आपका भाई का वर्ड है, ठीक है। हे गाइस, सो आपका भाई वापस आ गया एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ये इन जनरल लाइफ भी आप लोग अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा ये वीडियो अगर आप देखोगे पूरा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एंटायर वीडियो आपके हाथ में कॉफ़ी वॉफी कुछ ले लो सो दैट कि आप एंगेज रहो ये वीडियो के थ्रू, और हाथ में पेंसिल पेन कॉपी कुछ ले लो सो दैट कि मैं जो भी बोलूँ वो आप लोग लिख सकते हो। तो एनी वेलकम बैक टू माई वीडियो, फिर से बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं मेरा जो कंसल्टेंसी फर्म है, इंडिया का पहला फुल फ्लेज्ड टी कंसल्टेंसी फर्म, जहाँ पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। कस्टमर केयर नंबर भी है वीडियो के स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा, तो आप लोग क्विकली कनेक्ट कर सकते हो कस्टमर केयर को और वो लोग के साथ आप टाइम स्लॉट डिसाइड कर लो, उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हो। तो चलो आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कल गुडविक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात किया, कल रात को मैंने बात किया उनसे, तो उन्होंने बोला कि एक चीज़ बता देने कि उनका अभी भी हायरिंग प्रोसेस चल रहा है, जो कि उनकी वेबसाइट में भी है, बट मैं डिटेल में बता देता हूँ ये चीज़। तो बेसिकली वो लोग हायर करे असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए, बट एक्सपीरियंस लोगों को हायर करे फिलहाल, मतलब वो लोग हायर करने के बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे भेजना है उस बंदे को या बंदी को, ठीक है। तो बेसिकली ये फील्ड फैक्ट्री जॉब के लिए फील्ड में है और फैक्ट्री में, दोनों जगह आपको ओवरऑल काम करना पड़ेगा, बट ये जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का है और मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपको वो लोग देखेंगे कि आपने इंडिपेंडेंटली कौन कौन से टी गार्डन में हैंडल किया है फील्ड का काम इन पास्ट, ठीक है। ये चीज़ क्राइटेरिया है गुडविक का, ठीक है। ये तो रहा एक्सपीरियंस वालों का बात, और नीचे मेल है, यहाँ पे आप लोग जाकर सीवी अपना अब अपलोड कर सकते हो, इनको भेज सकते हो, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं जो यंगस्टर्स है, जो अस्पायरिंग टी प्लांटर्स है, वो लोग अगर कॉलेज से पास आउट होके गुडविक में जा रहे हैं तो क्या प्रोसेस रहता है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहता है, या फिर आप अगर इंटरव्यू भी आपने क्लिक आउट कर लिया तो कितने दिनों बाद वो लोग कॉल करके आपको ज्वाइन करने बुलाएंगे। तो मतलब सब प्रोसेस रहता है, गुडविक इज़ अ वेरी बिग कंपनी, तो वहाँ पे प्रोसेस भी थोड़ा सा लंबा टाइम तक चलता है। तो सबसे पहले मैं ड्यूरेशन का बात कर लेता हूँ, और मैं एक चीज़ बताऊँगा इस वीडियो में और डिक्टेट करूँगा लाइक अ ब्रदर आप लोगों को, और आप लोग बस वो चीज़ लिख लेना अपने कॉपी में, कहीं भी लिख लेना, सो डैट कि इन फ्यूचर आप लोग वो चीज़ अप्लाई करके जॉब क्लिक आउट कर सकते हो। क्योंकि बहुत ही, अगर आप थोड़ा सा काम में ऊपर नीचे हो ना, लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है ना, तो आप इंटरव्यू क्लिक कर लोगे आराम से, ये चीज़ हमेशा रखना, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी कि आप लोग को कितना टाइम लगता है, ड्यूरेशन कितना लगता है। अगर गुडविक का आपने इंटरव्यू, सपोज आपने CV भेज दिया और इंटरव्यू भी आपने दे दिया, तो ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ता लगता है उनको प्रोसेस करने में, फिर आपके बारे में रिसर्च करते हैं वो लोग। अगर आपने पास्ट में कहीं काम किया या फिर नहीं भी काम किया, तो अगर आपने कोई कॉलेज से पास आउट किया है तो आपका सब कुछ देखते हैं कि कॉलेज कौन सा है, क्या किस कौन सी डिप्लोमा आपने किया है, सब कुछ मतलब डिटेल में जाते हैं, आपका एक बैकग्राउंड देखते हैं, क्योंकि आप इन अ पर्सनल लेवल आप कंपनी में काम करने वाले हो, तो आपका वो लोग पूरा बायोडाटा जो है वो देखते हैं। तो इसी के साथ ना उनका जो फॉर्म है वो फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि उनके वेबसाइट में है, और वो फॉर्म में ऑलमोस्ट आप अपने बारे में सब कुछ बता रहे हो, उन्होंने सवाल ही पूछा। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बस ये बोलूँगा, वो जब फॉर्म फिल करोगे ना आप जो गुडविक का है, वो फॉर्म प्लीज़ ध्यान से फिल करना। मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि कौन कौन सा पार्ट है वो फॉर्म में जो आपको ध्यान से फिल करना है और अच्छे से लिखना है, और क्या लिखना है मैं ये भी बताऊंगा, सो दैट कि आप लोग लिख सको वो चीज़ और आप लोग ईजिली क्लिक आउट कर लो इंटरव्यू, ठीक है। तो बेसिकली उनका अभी फंडामेंटल ये चल रहा है कंपनी का कि वो लोग फॉर्म के थ्रू ही आपको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये पहला उन लोग का चल रहा है कि आप अगर फॉर्म अच्छे से फिल कर रहे हो, फॉर्म में अगर अपने बारे में सब सच बता रहे हो, सब कुछ लिख रहे हो, और आप क्या लिख रहे हो वो सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो लोग आपको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गैस पर्सनल इंटरव्यू होता है, बट वो फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो फॉर्म अगर आप अच्छा फिल नहीं करोगे तो हो सकता है वो लोग आपको नहीं बुलाए इंटरव्यू के लिए, ठीक है।
तो बेसिकली उनका फॉर्म ऑनलाइन है, नीचे वेबसाइट है, यहाँ पे जाके सिंपल सा प्रोसेस है, वेबसाइट खोलो और ऊपर में ही आपको फॉर्म दिख जाएगा, आप क्लिक करके आप फॉर्म देख सकते हो। तो वहाँ पे नेम, एड्रेस, मॉम डैड सबका नाम, फोटोग्राफ लगा दो, पासपोर्ट साइज। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, जो चीज़ वो लोग सबसे पहले देखते हैं जब आप फॉर्म के नीचे जाओगे ना, एक करियर ऑप्शंस करके एक कॉलम रहेगा, उसमें एक सवाल रहेगा, मैनी पीपल चेंज देयर आइडियाज़ अबाउट करियर, व्हाट हैज़ इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ योर थिंकिंग सो फार, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल होता है, आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। ये सवाल मैं बहुत लोग गलती करते हैं, ये सवाल लिखते नहीं अच्छे से, तो उनका एक पर्सपेक्टिव जो है ना वो बन जाता है कि यार ये बंदा इतना एम वाला नहीं है, यार ये बंदा का गोल क्लियर नहीं है, तो वो लोग नहीं लेते। ये सवाल हमेशा देखते हैं गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से कनेक्ट में हूँ गुडविक के, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात होते रहता है मेरा गुडविक के, और उन लोग ने बोला कि ये सवाल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ये सवाल प्लीज़ ध्यान से लिखना, और क्या लिखना है मैं आप ही आपको डिक्टेट करूँगा, प्लीज़ ये चीज़ आप लिखना उसमें इस कॉलम में। इसके लिए बहुत बड़ा उन लोगों ने ब्लैंक छोड़ा है, इसीलिए छोड़ा है क्योंकि आप अपना एक क्या गोल है, क्या एम है, अच्छे से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल आप क्या समझते हो, कैसे लिखोगे, इसलिए इन लोगों ने इतना बड़ा इसका स्पेस छोड़ा है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो क्या लिखना है ना ये मैं अभी आपको डिक्टेट करूँगा, आप लोग अभी कहीं ना कहीं लिख लो ये चीज़, सो दैट कि इन फ्यूचर भी आप लोग रेफरेंस पॉइंट के ले सकते हो कि मैंने क्या बोला। और यस, जो अभी मैं बोलूँगा ये आप इंटरव्यू में भी जाओगे, कहीं फिजिकली इंटरव्यू भी देने जा रहे हो तो वहाँ पे भी जाके आप लोग ये इंटरव्यू में पूछेंगे, वो लोग ऑफकोर्स कंपनीज पूछते हैं कि आपका क्या प्लान है फ्यूचर में, आपको कहाँ तक जाना है इस कंपनी में, कुछ भी। ये जो मैं भी बोलूँगा अभी डिक्टेट करूँगा ये कोड रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आप घुसा सकते हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बोलना, आप इंटरव्यू 100% सिलेक्ट कर लोगे, ये आपका भाई का वर्ड है, ठीक है। तो चलो जल्दी से पेन कॉपी ले लो और लिखना स्टार्ट कर लो, ठीक है। मैं जो भी बोलूँगा अभी ये सब टी इंडस्ट्री के हिसाब से मैंने लिखा है, सो दैट कि आप लोग रेफर लेकर ये आप लिख सकते हो, आप एक्सपीरियंस लोग के साथ रह के सीखोगे, तो इसलिए मैंने वैसे लिखा है। तो आप ये लिखोगे तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे, और ये इंटरव्यू में भी जाके बोलोगे तो 100% सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चलिए से लिखना स्टार्ट कर दो, हाँ ठीक है। सो माई टेक ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल इज प्रिटी क्लियर, ठीक है। The long-term goal constitute of short-term goals, ठीक है। Let me explain this in a bit. In short-term goals, I want to learn multiple sets of skills and master them. I can do this by working on various tasks from different fields with an experienced team. As soon as I feel that I am efficient in multiple skills, my long-term goals comes into play. ठीक है? I want to be assigned different responsibility which suit my wide range of skills. To be able to give result in different sector can be fruitful way to progress in my career. ठीक है? You can see that the short-term goals and long-term goals are co-related. ये चीज़ लिख लो आप अभी, और ये चीज़ आप जाके इंटरव्यू में, और ये चीज़ जाके आप अपने जो फॉर्म है उसमें भी लिख लेना, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब है और एक सवाल जो आपको नीचे जाओगे और मिलेगा जनरल इन्फॉर्मेशन में, जो कि उसमें रहेगा, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, हाँ। एक ही लाइन में लिखना है आपको, हाउ मच नोटिस डू यू नीड टू गिव योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है बता रहे हैं, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर जिसके लिए आप काम करते हो, एम्प्लॉय जो आप हो, आप काम करोगे, ठीक है। तो आप कितना नोटिस पीरियड क्या दोगे कंपनी को, तो हमेशा रखना कि आप अपना अपने हिसाब से, आप अगर आप एक साल दे सकते हो तो दो साल लिखना, ठीक है। ऑफकोर्स नोटिस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और आपको ये रहना है कि
मिनिमम टू मिनिमम एक साल तो रहना है, लिखना ही है आपको, ऐसा नहीं कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना, ऐसा गलती मत करना गाइस प्लीज। अब महीनों में मत लिखना, सालों में लिखना, तभी आपको वो लोग सोचेंगे कि आप लंबा टिकोगे। और ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट रहता है बहुत, ऐसे तो बहुत कम कंपनीज में ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है, बट यस गुडविक का एक सिस्टम है कि अगर आप छोड़ना चाहो बीच में या फिर आपको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो आप नोटिस पीरियड को कैंसिल करके आप परमिशन लेके आप शिफ्ट कर सकते हो। बट ये जो लाइन रहता है ये लिखना फॉर्म में एटलीस्ट 1 ईयर, ठीक है, उसके ऊपर आपको जितना लिखना लिखना, लेकिन मंथ में मत लिखना 1 ईयर या फिर 2 साल, ऐसे मतलब ईयर्स में ही लिखना वो चीज़, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो और एक सवाल है इसमें, आर यू विलिंग टू वर्क इन एनी यूनिट ऑफ आवर सिस्टर कंसर्न्स। तो बेसिकली ये लोग पूछ रहे हैं आपसे कि आप कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हो, कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकते हो, तो आपको लिखना है यस मैं कहीं पे भी हो सकता हूँ ट्रांसफर। ऐसा नहीं कि यार नहीं मुझे तो दार्जिलिंग वाले कंपनी गुडविक चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं पसंद नहीं आ रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ रहती है तो मैं सोचता हूँ यहीं चला जाऊँ, ऐसा नहीं होता। आपको ये सोचना है कि आपको जॉब चाहिए, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कौन सा जगह चाहिए, आप लो उसके बाद आप काम करो, सीखो, उसके बाद जहाँ आपको ट्रांसफर लेना लो, लेकिन एटलीस्ट आप पहले घुस जाओ गुडविक कंपनी में, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, हैव यू एनी फिजिकल डिफेक्ट, ठीक है, तो इफ़ सो स्टेट नेचर। तो ये जो है इसका, अगर आपके पास कोई मतलब बहुत होता है किसी का कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो इसमें थोड़ा झूठ लिखना आपको बनता है। आप ये नहीं लिख सकते हो कि यार मुझे मेरा आई साइट बहुत ही ख़राब है। अगर आपका आई साइट आप देख नहीं पा रहे हो अच्छे से तो आप ये मत लिखना कि आप देख ही नहीं पा रहे हो, ऐसे मत लिखना, मतलब होता है तो आपने लिखना नो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फिट एंड फाइन, बस ये लिख देना, ठीक है। तो यही है। तो और एक और है, हैव यू बीन हॉस्पिटलाइज फॉर 15 डेज और मोर इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो इसका जवाब भी नो लिखना, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ ही नहीं 5 साल में, ठीक, अभी भी हुआ ही नहीं, नो ही लिखना, ठीक है। ये सब चीज़ जो है ना, फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्म अगर आप अच्छे से फिल करोगे आप इजली सेलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद फॉर्म के बाद 2 हफ्ता लगता है उनको आपको रिप्लाई करने में, ठीक है, कभी कभी 3 हफ्ता भी लग जाता है, 3 वीक्स भी लग जाता है। उसके बाद वो लोग आपको पर्सनल इंटरव्यू में बुलाएंगे, और कहीं कहीं गुडविक के टी गार्डन में जहाँ पे एक रिटेन एग्जाम भी होता है उनका, बहुत कम टी गार्डन में होता है, बट नॉर्मली पर्सनल इंटरव्यू होता है लास्ट, ठीक है। आप फॉर्म फिलअप करोगे, उसके बाद आपको कॉल आएगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, ठीक है, ये 2-3 प्रोसेस में ही ख़त्म हो जाता है। बट कुछ टी गार्डन में रिटेन एग्जाम होता है, बट वो भी बहुत सिंपल से एग्जाम होता है, ऐसा कुछ नहीं कि टफ एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये होपफुली आप लोग ये क्लियर हो गया मैंने क्या बोला, बस इतना ही बोलूँगा कि फॉर्म जब फिल करोगे तो ध्यान से फॉर्म फिल करना, जो मैंने बोला डिक्टेट किया ना ये कॉपी कर लेना, ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही चीज कॉपी करके चले गए एक ही टी गार्डन में, ऐसा नहीं होता। ऑफकोर्स बहुत सारे टी गुडविक के टी गार्डन है, बट ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है ना यार कि आप सब लोग एक ही, तो अपना अपना बना के भी लिख लेना। मैंने जो डिक्टेट किया है वो रेफरेंस पॉइंट से ले लेना, बट अपना बना के लिखना क्या लिखना है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, होपफुली आप लोग समझ गए मैंने क्या बोला, और जिनको मेरा कंसल्टेंसी फर्म से बात करना है, कस्टमर केयर नंबर है, आप लोग बात करो, आप लोग वीकली मुझसे बात कर सकते हो और करियर गाइडेंस ले सकते हो मुझसे, और मैं हेल्प कर सकता हूँ आप लोग, सपोर्ट कर सकता हूँ आप लोग को। चलो मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलता हूँ बहुत जल्दी वीडियो में। एंजॉय योर डे एंड स्टे सेफ, एंड जैसे कि मैं बोलता हूँ, माँ बाप का इज्जत करो, माँ बाप का ख्याल रखो, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो